बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बानो ताहिर। आज मैं द्रास शॉपिंग हॉल की वीडियो लेके आई हूं, तो देखते हैं क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, इस पार्सल को खोलते हैं। ये वैसे मैंने पहले खोल लिया था क्योंकि मैंने अपनी ये छोटी बेटी के लिए मंगवाया, तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि उसको पहले ही बोल दिया था मैंने, तो वो बार बार कह रही थी ओपन करें ओपन करें, तो इसलिए मैंने ओपन कर दिया कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके ऊपर ये लिखा हुआ है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, नो पेपर नो चॉक। ये मैंने मंगवाया है डिजिटल टैब, इसके ऊपर राइटिंग और पेंटिंग वगैरह बच्चे कर सकते हैं, और बच्चों को आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा पेजेस गंदे करते हैं। जैसे ही मेरे बच्चे होमवर्क करने बैठते हैं तो मेरी छोटी बेटी आ जाती है और कहती है मुझे दे दें, बस मैंने इसके साथ खेलना है, मुझे पेन और पेंसिल दे दें। फिर वो बेडशीट पे, कपड़ों पे, हर जगह पे वो लिखती रहती है, तो काफ़ी गंदा कर देती है, इंक लगा देती है हर जगह पे। इसके ऊपर लिखा है सेविंग पेपर अप टू 1 लाख पीसेस, 1 लाख इसमें शीट्स हैं। शीट्स तो नहीं है इसमें, एक लिक्विड होता है, तो आप उससे 1 लाख बार उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना, तो 3 ट्रीज़ जो है ना आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रीज़ से पेपर बनते हैं, तो वेस्टेज से बचते हैं, तो इसको आप स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने इसके ऊपर राइटिंग करनी हो आप कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये है डिजिटल मेमो। ये इसके साथ उन्होंने पेन दिया है, ये पेन जो होता है ये विदाउट इंक होता है, और ये डिलीट का बटन है, और ये यहाँ पे लॉक का बटन है। जब आप एक शीट न्यू लगा लेते हैं तो उसके बाद आप इसको, ये अनलॉक हो गया और ये लॉक हो गया। अब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। तो पेन निकालते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये बच्चों के लिए, और प्राइस भी इसकी ज़्यादा नहीं है। वैसे इस तरह का राइटिंग पैड मल्टी कलर में 8.5 इंच का पूरे दराज पे 600 से 800 की रेंज में मिल रहा था, तो लेकिन ये जो राइटिंग टैब है या पैड भी इसको बोल सकते हैं, राइटिंग पैड, तो ये मुझे 420 में मिला। ये सिर्फ एक ही स्टोर से मिल रहा था, तो मैंने वहीं से ऑर्डर किया। इसके साथ मैंने और भी 2-3 चीज़ें ऑर्डर की ताकि डिलीवरी चार्जेस ना पड़े, 599 पर डिलीवरी क्योंकि फ्री थी। तो चलें इसको चेक करते हैं। ये देखिए जी, कलरफुल है ये, और इसमें आप राइटिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह की आप कैलकुलेशन आपने करनी है तो आप वो कर सकते हैं, तो डेली आप जो पेजेस ज़ाया करते हैं वो पेजेस ज़ाया करने से आप बचेंगे। और ये देखिए जी, ये इसका लॉक है, ये मैंने लॉक लगाया हुआ है तो ये डिलीट नहीं होगा। तो अब मैं इसका जो लॉक है, इसका लॉक मैंने ओपन कर दिया है, तो अब इसको मैं प्रेस करूँगी तो ये पेज डिलीट हो जाएगा और नेक्स्ट पेज आपका शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये इसका यहाँ पे नट लगा हुआ है, ये नट हम खोलेंगे, स्क्रू जो है, तो इसके अंदर यहाँ पे ये उन्होंने एक इतना बड़ा सा सेल डाला होता है, बैटरी डाली होती है, तो ये 2 ईयर्स तक ख़राब नहीं होती, 2 ईयर्स के बाद आप चेंज कर सकते हैं। और ये इसका लॉक है, और उसके अलावा उन्होंने इसमें ये होल दिया है। इस होल में आप पेन डालेंगे तो ये इस तरह से आपका टैप करना स्टैंड बन जाएगा, तो आप इसका स्टैंड भी बना सकते हैं। और इसके साथ आप कोई भी रोप, कोई भी डोरी लेके उसको आप इसके साथ अटैच करें और यहाँ पे आप अटैच कर दें, तो इसके साथ ये ना फिर पेन आपका गुम नहीं होगा। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है ये, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तो ये मैंने हीट प्रोटेक्टर ऑर्डर किए हैं। पहले मैंने जो आपको पिछली वीडियो में दिखाया था उसकी प्राइस आई थिंक 89 या 99 थी, इसकी जो प्राइस है वो 75 है, और बहुत ही कमाल की चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स जो हैं वो पिछली वीडियो में डाली हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ओह सॉरी, इसमें एक उन्होंने फ्री पेन भी दिया था, वो तो मैंने खोला ही नहीं। ये एक पेन उन्होंने गिफ्ट के तौर पे दिया था, साथ खुद बखुद ही कार्ट में ऐड हो गया था, तो ये गिफ्ट के तौर पे उन्होंने दिया। ये वाला भी पार्सल आप देख चुके होंगे, ये भी मैंने पहले मंगवाया है, और पहले भी मैंने इनके स्टोर से ही ये प्रोडक्ट मंगाया था, और अभी भी मैंने इनके स्टोर से ही मंगवाया है। 128 में ये मुझे 4 स्ट्रॉज मिले हैं, एक ब्रश है और 4 स्ट्रॉज हैं, 2 स्ट्रेट और 2 बेंट। ये मैंने पहले मंगवाए थे स्ट्रॉज, मैंने कहा आपको दिखा दूं, मैंने दोबारा ऑर्डर किए, कोई ये ना सोचे कि मैंने शायद वही पैक दोबारा से ओपन किया है। ये पहले वाले और ये अभी वाले 128 के, इसके साथ मुझे डिलीवरी चार्जेस पड़े थे, तो ये मुझे 247 में पड़े थे और ये मुझे 128 में पड़े क्योंकि डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़े। इसके साथ ही मैंने वो टैब भी क्योंकि मंगवाया।
चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ। ये पार्सल जो है इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने इसको ओपन किया था तो मैंने इसकी वीडियो बना ली थी, क्योंकि मैंने फ़ोन रिस्टोर कर दिया, मैंने न्यू फ़ोन लिया था तो जब मैंने डाटा ट्रांसफ़र किया तो इसकी वीडियो ट्रांसफ़र नहीं हो सकी, तो मुझे पता नहीं चला, तो मैंने वीडियो पहले बनाई थी इस पार्सल जैसे ही आया तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, क्योंकि इसमें जो एक प्रोडक्ट था वो मेरी सिस्टर इन लॉ का था, तो मेरे हस्बैंड उधर जा रहे थे तो मैंने उनके हाथ भिजवा दिया उधर, तो इसलिए मैंने पहले जल्दी से वीडियो बना ली। मैंने कहा चले मैं खोल लेती हूँ, उनको भेज दूँगी तो फिर मेरी ये वीडियो डिलीट होगी। अब मैं ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ। अब जो मेरी सिस्टर इन लॉ का प्रोडक्ट था वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पिक्चर ऐड कर दूंगी, उसमें मैंने जो चार प्रोडक्ट्स मंगाए थे चारों प्रोडक्ट उसमें आपको शो हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट्स मैंने पहले से ओपन किए हुए हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत इंतहाई शानदार पैकेजिंग थी, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मेरे पास है नहीं इस टाइम। ये मैंने ऑयल जग मंगवाया, कमाल का प्रोडक्ट है ये मैंने इसको मैंने एक बार यूज़ कर लिया, ऑयल डाल के ऑयल ख़त्म हो गया, तो ये देखिए ये ऑयल डिस्पेंसर है, इसमें से जब ऑयल निकलेगा तो ये इसकी साइडों पे वॉल बनी हुई है, तो ऑयल जो यहाँ से ड्रॉप गिरता है ना जब हम डालते हैं तो वो इसके इस सर्कल के अंदर गिरेगा, और यहाँ पे उन्होंने होल दिया हुआ है तो इसी होल के थ्रू वो वापस चला जाएगा ऑयल बॉटल के अंदर, तो यहाँ से जो हमारी बॉटल मैसी होती है ना वो नहीं होगी। अभी तो मैंने इसमें रखा हुआ था, गिर गया है तो उसकी वजह से ये ऑयल लगा है वहाँ पे, तो वरना इसमें से ऑयल नहीं लीक होता, बहुत अच्छी चीज़ है। तो और भी काफ़ी सारी ऑयल डिस्पेंसर बॉटल्स मिलती हैं दराज पे भी और मार्केट से भी मिल जाती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जब हम यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे ऑयल गिरता है, तो इसका यहाँ पे ऑयल नहीं गिरता। उसके अलावा इसका हैंडल है, अगर बिलफर्ज़ आपसे ऑयल गिर गया यहाँ डालते वक्त या कुछ भी, तो आप यहाँ से आप क्लीन कर लें, और यहाँ से आपकी बॉटल जो है वो मैसी हो भी जाए तो उन्होंने हैंडल दिया है कि आप यहाँ से पकड़ें और पोर कर लें। इससे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं निकलता, कम निकलता है, तो अगर हम कम ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑयल डिस्पेंसर तो होना ही चाहिए। तो चले मैं इसका कैप ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह का इसका कैप है, इसमें ये उन्होंने ऊपर इसके स्केल दिया हुआ है 1 लीटर का, 1000 ml का, तो इसमें यहाँ तक पूरा 1 लीटर ऑयल इसमें आ जाता है, और इसका कैप भी काफ़ी टाइट है तो लीक होने का कोई ख़तरा नहीं है। और ये देखिए जी, ये तो कमाल की चीज़ है ना, सिलिकॉन वाला जो ये वाइपर है ये 139 का है, और इतनी यूज़फुल चीज़ है ना कि हमारी मतलब ज़िंदगी आसान हो जाती है इससे। तो इससे आप अपने जो मिरर्स होते हैं, जो विंडो के ग्लास होते हैं, उसको आप इससे वाइप कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी किचन की शेल्फ़ होती है उसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है, अगर आप उसको किसी क्लॉथ से करते हैं तो आपको फिर उसको वॉश करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, मसला होता है। तो ये बहुत ईजी, साबुन से वॉश करें, शेल्फ़ के ऊपर पानी डालें और इससे वाइप कर लें, इतना अच्छा वाइप होता है ना कि ऐसे लगता है ड्राई हो गया। तो 100% रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, ओनली 139 रुपीज़ में। उसके अलावा मैंने ये एक कुकिंग स्पून होल्डर मंगवाया है, तो जब हम खाना बनाते हैं तो हम चम्मच कभी पतीली के ऊपर रखते हैं जिसमें हम सालन बना रहे होते हैं या राइस बना रहे होते हैं, या फिर हम उसको किसी और प्लेट में रखते हैं तो हमें उसके लिए जगह नहीं मिल रही होती जब हम रखते हैं, तो जहाँ पे रखते हैं वहीं पे ऑयल का और जो उसमें मिर्च मसाला होता है उसका निशान लग जाता है। तो ये हीट रेजिस्टेंट भी है, ये सिर्फ मुझे 99 में मिला है, प्राइस भी अच्छी है और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। और इसके साथ जो मैंने एक सिट्रस जूसर मंगवाई थी वो भी इसी में आई थी, तो वो वीडियो तो है नहीं मेरे पास, तो मैं उसका जो पिक्चर है और स्क्रीनशॉट है ना, 4 प्रोडक्ट्स मैंने इकट्ठे ऑर्डर किए थे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। चलें जी अब ये पार्सल खोलते हैं। ओ अच्छा, ये मैंने मंगवाए थे लेदर के सॉक्स मंगवाए हैं, मेरी जो बेटी है ना वो शूज़ नहीं पहनती, और जितना मर्ज़ी उसको हम शूज़ पहनाते हैं उसको मैं स्नीकर्स भी पहनाती हूँ, उसकी मैं लेसेस इतनी टाइट बंद कर देती हूँ, फिर भी वो ना खोल लेती है, उन्होंने अंदर एक दूसरे के डाले हुए हैं तो वो पहनती नहीं है, तो फिर ना मैंने कहा बीमार ही ना हो जाए। मैंने सोचा कि चलो मैं ये मंगवा लेती हूँ, तो फिर ये है कि शूज़ पहनने की टेंशन नहीं होगी, बार बार वो शूज़ उतार देती है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो ये देखें जी, ये मुझे तो बड़े अच्छे लगे हैं, अंदर ये इस तरह का फैब्रिक है, मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ, ये अंदर फ्लीस का फैब्रिक लगा हुआ है, और ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे, वहाँ जो पिक्चर थी उसमें तो यहाँ पे भी शीट इस तरह की लगी थी, इस रेगजीन है कि पता नहीं बारीक सा लेदर है तो रेगजीन ही लग रही है, क्योंकि इतनी सॉफ्ट है, लेदर इतना सॉफ्ट नहीं होता, तो यहाँ पे रेगजीन लगी थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये सॉफ्ट सी ना फ्लीस टाइप वेलवेटी सा कपड़ा लगाया हुआ है, और ये जो है यहाँ पे इन्होंने अंदर से फ्लीस लगाई हुई है, तो काफ़ी वार्म है ये। तो अगर आपके भी बच्चे शूज़ नहीं पहनते तो फिर आप भी मंगवा सकते हैं, मुझे अच्छे लगे हैं,
मैंने एक और स्टोर चेक किया था, वहाँ पे ये 299 में मिल रहे थे लेकिन उनका स्टॉक ख़त्म हुआ हुआ था। तो ये जहाँ से मैंने मंगाए ये मुझे मिले हैं 390 में, और 120 डिलीवरी चार्जेस थे लेकिन कुछ वाउचर था मेरे पास तो मुझे ये टोटल 421 में पड़े। तो मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है, अगर कोई मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है, बहुत यूज़फुल चीज़ है। उनके स्टोर पर बड़ों के भी मिलते हैं, बच्चों के भी मिलते हैं, और मैं आपको ना जो इसका लिंक होगा ना वो मैं स्टोर का दे दूँगी। तो चलें जी ये वाला पार्सल खोलते हैं। वीडियो के दौरान ही मुझे ये जो लेदर सॉक्स मैंने आपको दिखाए हैं और ये वाला पार्सल मुझे वीडियो के दौरान रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये भी इसमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, आप लोगों के काफ़ी काम आ सकती है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एड्रेस था तो ये मैंने रेज कर दिया, ठीक है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी पैकेजिंग की है उन्होंने, इसकी पैकेजिंग ने तो मुझे थका दिया, इतनी हैवी पैकेजिंग की है उन्होंने। तो ये देखिए जी, ये मैंने मंगवाया है मस्टर्ड ऑयल, रेप सीड ऑयल होता है ना सरसों का, तो ये कुकिंग के लिए है, ये कुकिंग के लिए मैंने मंगवाया है। तो सरसों के ऑयल के इतने बेनिफिट्स हैं ना कि कहते हैं कि इसको ना गरीबों का ऑलिव ऑयल कहते हैं। तो अब जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो ये वाला ऑयल यूज़ कर सकता है। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली मटेरियल की बॉटल्स हैं, और ये हाफ लीटर वाली बॉटल्स हैं 500 ml की, और ये 12 बॉटल्स हैं 6 लीटर की पैकिंग है। और उनके स्टोर पे ये अल हलाल स्टोर है, ये लिखा हुआ है अल हलाल, तो ये अल हलाल उनका स्टोर है और ऑयल का नाम है सुल्तान सरसों का तेल। तो ये उनके ना स्टोर पे इसमें 1 लीटर वाली भी पैकिंग है, हाफ लीटर वाली भी है, 250 ml वाली भी है और 125 ml वाली भी है, लेकिन पैक जो है वो 6 लीटर का ही है। जो 125 ml की हैं वो 48 बॉटल्स हैं, और वो जो 250 ml वाली हैं वो 24 बॉटल्स हैं। ये जो 500 ml वाली हैं ये 12 बॉटल्स हैं, और फिर लीटर वाली होती हैं वो 6 बॉटल्स होती हैं। चार तरह की पैकिंग है उनकी, तो मैंने सोचा कि लीटर वाली ज़्यादा बड़ी होगी और ज़्यादा छोटी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कौन सा उनको सेल करना है। लेकिन मैंने सोचा चले हाफ लीटर वाली मंगवाती हूँ, मुझे बॉटल्स बड़ी क्यूट लगी थी तो मैंने कहा चले हाफ लीटर वाली मंगवा लेती हूँ। और उसके अलावा ये है पिंक सॉल्ट, वैसे तो ये मैं नेशनल का पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, मैंने सोचा इनका मंगवा के देखती हूँ, इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो फिर मैंने ना ये उनके स्टोर से ही ऑर्डर कर लिया, ये 90 rupees का 800 ग्राम। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, इतने अच्छे रिव्यूज़ थे इसके, सब लोग इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा ऑयल है। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी प्राइस कम है, जो हम बाज़ार से लेते हैं ना मस्टर्ड ऑयल वो हमें 800-900 रुपये में 1 लीटर मिलता है। इसकी जो प्राइस है वो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगी, ये मेरे ख्याल 2600+ में मुझे मिला है, और ये 6 लीटर की पैकिंग है, और इसके साथ 90 rupees का ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, और ये मिला है मुझे 90 rupees में, और इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस थे और टोटल ये 2900 समथिंग बने थे। तो स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर दूंगी, अगर आपने मंगवाना हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये सबसे बेस्ट ऑयल है, क्योंकि ये आपको एक तो इसकी प्राइस भी अच्छी है और ऊपर से इतने लोगों ने यूज़ किया है तो वो बल्क में मंगवा रहे हैं, लोग अपनी शॉप्स पर सेल करने के लिए मंगवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है ये, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है, 100% ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। तो चलें जी देखते हैं इसमें क्या है। ये मंगवाया है मैंने सिलिकन मोबाइल कवर टेक्नोस्पार्क 8 प्रो का, अमेजिंग, जैसा उन्होंने दिखाया था बिल्कुल वैसा ही है, कॉर्नर भी वैसे ही हैं जैसे बम्पर बनाए थे उन्होंने, मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने पहले दराज से मंगाया था, मैंने पहले टेक्नोस्पार्क 8 प्रो का वाइट कलर में, उसके ऊपर गोल्डन पेंट था, मैं उसकी भी पिक्चर ऐड करूँगी, लेकिन उसका पेंट बड़ी जल्दी ख़राब हो गया था, तो अभी मुझे क्लियर वाला चाहिए था तो मैंने फिर ये वहाँ से ऑर्डर किया है। ये मुझे मिला है 170 में, और डिलीवरी चार्जेस डाल के ये मुझे 280 में पड़ा है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये देखिए जी, ये मोबाइल कवर है, और इस फ़ोन के लिए मैंने लिया है टेक्नोस्पार्क 8 प्रो, तो इसके ऊपर हम लगा के देखते हैं। ये देखिए जी, ये फिटिंग आई है इसके ऊपर, ये देखिए बहुत अच्छा है इस। चलें देखते हैं इसमें क्या है।
ये मैंने स्कॉच टेप मंगवाई है, ये मैंने 2 इंच की स्कॉच टेप मंगवाई है, और ये मैंने 1 इंच की स्कॉच टेप मंगवाई है, और ये मैंने मंगवाई है डबल टेप। पहले मैंने डबल टेप मंगवाई थी, वो जो शीट की बनी होती है ना वो वाली, और अब मैंने ये मंगवाई है जो टिश्यू वाली होती है ना, बारीक वाली, काफ़ी बारीक है, इसको उतारना ही मुश्किल हो जाना है। ये बहुत ही बारीक वाली होती है, ये टेलरिंग के लिए यूज़ होती है, जब कपड़े स्टिच करते हैं ना तो उसमें इसको लगाते हैं। ये देखिए जी, ये मैं आपको खोल के दिखा ही देती हूँ, मुझे लगा आज मुझसे ये ओपन नहीं होगी, मैंने काफ़ी मेहनत की है इसको ओपन करने में, बहुत बारीक होती है क्योंकि, ये देखिए इसकी स्टिकिंग बहुत अच्छी है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, ये देखें काफ़ी अच्छी स्टिकिंग है, ये बिल्कुल थिन वाली होती है डबल साइडेड टिशू टेप, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यूज़फुल है बहुत ज़्यादा। मैंने मंगवाई थी तो मैंने सोचा वीडियो के दौरान ही मुझे ये रिसीव हुई हैं चीज़ें कुछ, तो मैंने सोचा चले मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ साथ में ही। ये है सर्जिकल टेप, ये भी अच्छी प्राइस में मिल रही थी, ये 55 में मिली है मुझे, और ये जो है ना इनकी प्राइसेस मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट ऐड करूँगी, प्राइस भी आपको बता दूँगी, मेंशन कर दूँगी, तो आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, बाज़ार से भी मिल जाती हैं, लेकिन दराज पे ये ज़्यादा सस्ती मिल रही थी और फ्री डिलीवरी थी, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर ली, मतलब ज़ीरो मिनिमम ज़ीरो स्पेंड पे फ्री डिलीवरी थी। ये मैंने एक सिंगल मंगवाई है तो इसकी भी फ्री डिलीवरी है और इनकी भी फ्री थी, तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर कर ली, मैंने कहा चलिए शिपिंग चार्जेस तो है नहीं, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।